मेरा आग्रह तमाम राजनीतिक दल के लोगों से है, खास करके जो परिवर्तन चाहने वाले लोग, अब जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करने से तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि इनको मिला 15 साल, 15 साल में इन्होंने शिक्षा को, स्वास्थ्य को, रोजगार को सबको रसातल में पहुंचा दिया, इनसे क्या अपेक्षा की जाए, और जनता की भी अपेक्षा नहीं है इनसे। लेकिन बाकी जो दूसरे लोग परिवर्तन चाहने वाले लोग हैं, हम लोग महागठबंधन के लोग हैं, तमाम लोगों से, पार्टी से मेरा आग्रह है कि सब लोग अपने इलेक्शन के एजेंडा में, घोषणा पत्र में इस विषय को शामिल करें, और सरकार बनेगी तो ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे, और हमारा संकल्प आज भी है, आगे भी रहेगा कि शिक्षा में सुधार करेंगे, लड़के रहेंगे, निश्चित रूप से शिक्षा में सुधार होगा, आगे आने वाली सरकार करेगी और बिहार के गरीब बच्चों की तकदीर भी बदलेगी। कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं सर आपकी पार्टी? इसके लिए तो भागने की बात की जा सकती है। कुशवाहा जी, आपने महागठबंधन के तमाम विष पीने की बात कही है, वो विष कौन सी है बताएंगे? देखिए नहीं बताएंगे अभी आपको, नहीं बताएंगे। हमने आग्रह किया है लालू जी से, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के एक तरह से कहा जाए कि सुप्रीम है, तो उनसे आग्रह किया है कि जनता चाहती है परिवर्तन करना, आशा भरी निगाह से महागठबंधन की ओर देख भी रही है, लेकिन कुछ बात अभी स्पष्ट नहीं है, इसकी स्पष्टता जल्दी हो जाए, इसमें लालू जी स्वयं हस्तक्षेप करें, यह हमने कहा है, अब उनके ऊपर है कि कितनी जल्दी जनता के मन के भ्रम को दूर करते हैं। सर तेजस्वी यादव आपको तरजीह नहीं दे रहे अभी तक महागठबंधन तो से कोई बैठक नहीं हुआ है, चलिए जरूरत होगी तो आपसे भी कुछ देंगे। मांझी जी को लेकर क्या कहेंगे प्रेम जी? मांझी जी चले गए, देखिए हमारा तो साफ कहना है और लगातार जो बात हम बोलते हैं आज भी बोलेंगे, हमारी कोशिश भी रही है एनडीए के खिलाफ जो भी दल बिहार में है सब लोगों को महागठबंधन के दायरे में लाना चाहिए, महागठबंधन का जो तत्काल स्वरूप है इसके स्वरूप को और बढ़ाने का काम करना चाहिए, दूसरे दल के लोगों को जो नहीं आज महागठबंधन में उनको भी जोड़ना चाहिए, और ऐसी स्थिति में मांझी जी चले गए, मुझको लगता है कि इसको बहुत इस रूप में अगर हम कहें कि उनके जाने से कुछ नहीं बिगड़ेगा तो गलत हो जाएगा, लालू जी को नहीं, उनको मांझी जी को नहीं जाना चाहिए था, लेकिन हाँ चले गए हैं, अब उनका निर्णय है, उस पर अब हम क्या कहें, अब हम लोग की मेहनत थोड़ी बढ़ जाएगी, जो उनके जाने से नुकसान है उसकी भरपाई और मेहनत करके हम लोग करेंगे। तेरा माझी उपेंद्र कुशवाहा और लेफ्ट है, मेरा सवाल उपेंद्र कुशवाहा से है, क्या ऐसी कोई बात हो रही है? अरे भैया कोई ऐसी बात अब आपको पता है, हमको पता ही नहीं है कैसे ऐसी बात होगी। हमारा मकसद सीट का नहीं है, हमारा मकसद है कि कैसे एनडीए से छुटकारा मिले, यह मामला नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी आ जाए, कौन पार्टी आ जाए, हम तो चाहते हैं कि दायरा बढ़े।